फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 14 अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, कैलकुलेट द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 3 मिली हेनरी इंडक्टर व्हेन 60 हर्ट्ज एंड 10 किलो हर्ट्ज एसी वोल्टेज आर अप्लाइड। आपने इंडक्टिव रिएक्टेंस मालूम करना है 3 मिली हेनरी इंडक्टर का, जब हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हो और दूसरा 10 किलो हर्ट्ज हो इसकी एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। दूसरा आपने मालूम करना है व्हाट इज़ द आरएमएस करंट एट ईच फ्रीक्वेंसी। दोनों फ्रीक्वेंसी के में आरएमएस करंट कितना है। इफ़ द अप्लाइड आरएमएस वोल्टेज इज़ 120 वोल्ट, अगर अप्लाइड आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वेयर्ड वीलियो जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो हमारे पास 120 हो। तो गिवन में सबसे पहले ए नंबर में इंडक्टेंस एल 3 मिली हेनरी है और फ्रीक्वेंसी 160 हर्ट्स है और फ्रीक्वेंसी 2 जो है 10 × 10³ हर्ट्स यानी 10 किलो हर्ट्स है। हमसे पूछा गया है कि ये आपने मालूम करना है XL1 यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस पहले फ्रीक्वेंसी में और दूसरी फ्रीक्वेंसी में XL1 और XL2 हमने मालूम करना है। इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है 2πfL फार्मूला है, यानी फ्रीक्वेंसी को L के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो इसी फार्मूला है इसमें हम पुट कर लेते हैं, पहले केस में 2π² × 3.14 × 60। पहले केस में हमारे पास 60 है और जो हमारे पास L है इंडक्टेंस है रिएक्टेंस उसकी 3 × 10³ है। तो इन सारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वीलियो आती है इंडक्टिव रिएक्टेंस की 60 हर्ट्स में 1.13 ओम। दूसरा जो है इसी केस का दूसरा इस भी हमारे पास इस तरह है, सिर्फ आपने दूसरी फ्रीक्वेंसी इसमें डालनी है और इसमें हमारे पास 188 ओम इंडक्टिव रिएक्टेंस आती है। दूसरे का हमारे पास गिवन है वोल्टेज आरएमएस की वैल्यू 120 है और XL1 हमारे पास 1.13 ओम है। तो और दूसरा हमारे पास XL2 188 ओम है। तो हमने क्या फाइंड करना है, करंट की आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है पहले केस में और दूसरे केस में। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है आई आरएमएस इज इक्वल टू वोल्टेज आरएमएस डिवाइडेड बाय XL। तो 1 के लिए हम XL1 करेंगे और वही 120 के ऊपर डिवाइड करेंगे और दूसरे के लिए 188 करेंगे। तो पहले केस में हमारे पास 106 एम्पियर आता है रूट मीन स्क्वायर रूट वैल्यू आई की और दूसरे केस में हमारे पास 0.637 एम्पियर आता है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास कुछ इस तरह है, फॉर द सेम RLC सीरीज सर्किट हैविंग अ 40 रेजिस्टर 30 मिली हेनरी इंडक्टर एंड 5 माइक्रो फेराड कैपेसिटर। RLC का मतलब है रेजिस्टर और L का मतलब है इंडक्टर और C का मतलब है कैपेसिटर। इन तीनों का हमारे पास गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है फाइंड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। पहला आपने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है और दूसरा कैलकुलेट IRMS हेटेरोजेनस इफ VRMS इज 120। RMS करंट की वैल्यू मालूम करनी है जब वोल्टेज RMS की हमारे पास 120 वोल्ट हो। तो सॉल्यूशन हमारे पास कुछ इस तरह है, गिवन में पहले हमें इंडक्टर दिया है जो हमारे पास इंडक्टर 3.3 मिली हेनरी है, दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है 5 माइक्रोफेराड है और तीसरा हमें मालूम करना है, क्या मालूम करना है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए कि हम इंडक्टर और कैपेसिटर यूज़ करते हैं, जिस तरह के इसका फार्मूला है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2π√LC यानी इंडक्टर और हमारे पास जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, वैल्यू पुट करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है आपने 1/2 × 3.4 करना है और फिर L और C की वैल्यू अंडर रूट में लेनी है। पहले ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले रूट की वैल्यू, फिर इसके रूट से निकाले और नीचे मल्टीप्लाई कर ले और फिर 1 के ऊपर डिवाइड कर ले तो हमारे पास 1.3 किलो हर्ट्ज वैल्यू आती है। दूसरे केस में जो हमारे पास गिवन है वो रेजिस्टर 440 ओम है और आरएमएस की वैल्यू वोल्टेज की 120 वोल्ट है और हमसे करंट जो है आरएमएस की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया है। फार्मूला इसका हमारे पास जेड इज इक्वल टू √R² + XL - XC² √
ये ऊपर समझाया गया है कि हमारे पास रिएक्टेंस है इंडक्टर की, कैपेसिटर की और ये रेजिस्टर की, जो हमारे पास रिएक्टेंस है। हाउ एवर इन केस ऑफ रेजोनेंस एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, देयर फॉर आर इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 40 ओम। रेजोनेंस में हमारे पास जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर होती है और रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर्स होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जेड आर के बराबर है और वो हमारे पास 40 के बराबर है। दूसरा हमने मालूम करना है आर एम एस की वैल्यू, आई की वी आर एम एस को जेड के ऊपर डिवाइड करते हैं तो जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब 120 के ऊपर जेड को डिवाइड कर ले तो हमारे पास 3 एम्पेयर आता है, यानी रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस केस इज 3 एम्पेयर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 8, अ कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस 318 मिली हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओहम। एक कॉइल है प्योर इंडक्टेंस की 318 मिली हेनरी, इसको सीरीज में बांधा गया है प्योर रेजिस्टेंस के साथ जिसका रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास 75 यानी 75 ओहम है। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 150 वोल्ट, वोल्टेज जो है रेजिस्टर में 150 वोल्ट है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इज 50 हर्ट्स, और फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई की 50 हर्ट्स है। कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ पावर सोर्स एंड फेज एंगल, आपने वोल्टेज पावर सोर्स की मालूम करनी है और दूसरा फेज एंगल आपने मालूम करना है। तो सबसे पहले इंडक्टेंस गिवन है 318 मिली हेनरी 0.318 हेनरी के बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर जो है 75 ओहम है, वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वोल्टेज रेजिस्टर वी आर हमारे पास जो है 150 वोल्ट है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज जो है वो हमारे पास 50 हर्ट्स हैं। तो आपने फाइंड करना है वोल्टेज ऑफ द पावर सोर्स वी और फेज एंगल जो है वो आपने मालूम करनी है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो फार्मूले हैं वो हमारे पास इस तरह हैं, जो पावर सोर्स है वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, इन वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर वोल्टेज ऑफ इंडक्टर इन दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट लेना है, और एंगल हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स एल यानी इंडक्टेंस ऑफ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और जो हमारे पास रेजिस्टर है इसके ऊपर डिवाइड करना है, टेंजेंट इनवर्स इसकी लेनी है। तो अभी इसमें हम फार्मूले में पुट कर लेंगे। अब इससे पहले वी को फाइंड करने के लिए, नाउ टू फाइंड वी, वी नो द वैल्यू ऑफ वी आर, हाउ एवर वी एल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। वी आर हमारे पास गेवन है लेकिन वी एल गेवन नहीं है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर दिस पर्पज वी कैलकुलेट द करंट विच पासिस थ्रू द सीरीज सर्किट इन द इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल। तो इस मकसद के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, करंट को जो सीरीज सर्किट में पास हो रही है और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल को हम फाइंड करेंगे। तो आई हमारे पास वी आर डिवाइडेड बाई आर है, तो वी आर हमारे पास केवल 150 और रेजिस्टेंस 75 है, तो इससे हमारे पास 2 एम्पेयर बनता है। एक्स एल आपको पता है 2 पाई एफ एल के बराबर है, तो 2 पाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास 50 है और एल इंडक्टेंस 318 मिली हेनरी, तो 0.318, इन सारों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 100 ओहम आता है। नाउ पुट द वैल्यूज इन द फार्मूला, अब वी एल को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, एक वी एल इज इक्वल टू आई एक्स एल, इसमें पुट करने से हमारे पास 200 वोल्ट आता है। अब फार्मूला 1 यूज़ कर ले ताकि हम वी को फाइंड कर सकें, यानी पावर हमारे पास कितनी है वोल्टेज पावर सोर्स की वो हमने मालूम करने हैं। तो इसमें पुट कर ले, 150 हमारे पास है और 200 हमने अभी फाइंड कर ली है, यानी जो हमारे पास एक्स एल था वो हमारे पास आ गया, वी जो हमने ऊपर फार्मूला यूज़ किया था। तो 150 का स्क्वायर 200 का स्क्वायर दोनों को जमा कर ले और रूट निकाले तो ये हमारे पास पावर सोर्स की जो वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। दूसरा हमसे पूछा गया था कि फेज एंगल आपने मालूम करनी है, तो इसके लिए टेंजेंट है और इसमें वैल्यू पुट कर ले 100 डिवाइडेड बाय 75, तो इसे हमारे पास टेंजेंट इनवर्स का 1.33 जो है 53.12 आता है। इसका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह बनता है, अगर ये एक्स एल है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज का रेजिस्टेंस के साथ 53.12 एंगल बनता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अ रेजिस्टर ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ 79.5 माइक्रोफेराड अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज एंड 100 वोल्ट। रेजिस्टर है 30 ओम का और इसको सीरीज में कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया है, इसकी कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोफेराड है और पावर सप्लाई जो है वो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और 100 वोल्ट है।
आपने फाइंड करना है इम्पीडेंस, दूसरा करंट, फेज़ एंगल और आखिर में इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट आपने मालूम करनी है। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है क्योंकि हमने चार चीज़ें मालूम करनी है। तो कैपेसिटेंस जो है वो 79.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ फेराड है, रेजिस्टेंस आर 30 ओम है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, सप्लाई वोल्टेज जो है 100 वोल्ट है। आपने जेड आई थीटा और करंट की जो है वो इक्वेशन फाइंड करनी है। जेड फॉर इम्पीडेंस, आई फॉर द करंट, ये एंगल जो है ये फेज एंगल है, और आखिर में इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो आपने मालूम कर देनी है। तो सबसे पहले हम इम्पीडेंस को मालूम करते हैं। इक्वेशन फॉर द इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स की सी स्क्वायर। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है, पहले हम एक सी को फाइंड करते हैं, वन ओवर टू पाई एफ सी के बराबर है। इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास 40 ओम आता है, और इसमें हमारे पास जो जेड की वैल्यू होगी यानी इम्पीडेंस की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो 40 हमने फाइंड कर लिया है, 30 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास पहले से मौजूद थी रेजिस्टेंस की। 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 900 प्लस 1600 2500 और अंडर द रूट इसकी 50 ओम आता है, यानी इम्पीडेंस हमारे पास इस केस में 50 ओम है। अगला जो हमारे पास है बी नंबर, करंट इन द सर्किट डिटरमाइंड बाय ओम लॉ। ओम लॉ के जरिए हम इसको फाइंड कर लेंगे, वी को जेड के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 एम्पियर आता है। फेज एंगल जो है हमारे पास टेंजेंट इनवर्स एक्स सी डिवाइडेड बाय आर है, इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास 53 एंगल आता है, 53 डिग्री हमारे पास इसकी एंगल बनती है। और लास्ट में इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट, इससे हमारे पास I इज इक्वल टू I मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस फेज एंगल। तो इसमें विच मीन्स द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल, इस केस में हमारे पास करंट जो है वो आगे जाती है वोल्टेज से बाय एंगल थीटा। आई मैक्सिमम इज़ नॉट गिवन, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम करंट नहीं गिवन है, तो इसलिए हम इसको फाइंड करेंगे किस तरह, आर एम एस वैल्यू को 0.707 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आर एम मैक्सिमम जो हमारे पास करंट है वो आएगा। तो इफेक्टिव करंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 को 2 एम्पेयर हमारे पास आर एम एस की वैल्यू है, इसके ऊपर डिवाइड करने से 2.828 एम्पेयर आता है। अब ओमेगा जो है हमारे पास 2 पाई एफ के बराबर है, यानी 2 पाई और फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें वीडियो पुट कर लेते हैं, 2 पाई हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3.14 और 50 इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो 314 रेडियन पर सेकंड के हिसाब से हमारे पास ओमेगा की वीडियो आती है। पुट ऑल दीज वीडियो इन द अबव इक्वेशन, अब जो ऊपर इक्वेशन दिया है इसको पुट कर ले तो हमारे पास इसकी इक्वेशन जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसकी इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बनती है, आई इज इक्वल टू 2.828 साइन इन टू 314 टी प्लस 53। ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है, कॉइल हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 7 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 31.8 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस जो है 7 ओम है, इंडक्टेंस जो है वो 31.8 मिली हेनरी है, और इसको वोल्टेज 230 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी जिसकी 50 हर्ट्ज है इसके साथ कनेक्ट किया गया है। आपने क्या फाइंड करना है, द सर्किट करंट, फेज एंगल, पावर फैक्टर और पावर कंज्यूम, ये चीज़ें चार चीज़ें आपने मालूम करनी है। तो गिवन में रेजिस्टेंस जो है वो 7 ओम है, इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास 31.8 मल्टीप्लाई 10⁻³ हेनरी होगा, वोल्टेज 230 और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। आपने करंट मालूम करनी है सर्किट में, फेज एंगल मालूम करना है, पावर फैक्टर मालूम करना है, और आखिर में पावर कंज्यूम्ड आपने मालूम करना है। तो ए के लिए हमारे पास जो करंट है वो वी बाय जेड के बराबर है, और जेड हमारे पास इंपीडेंस ऑफ द सर्किट होता है, तो पहले हम उसको फाइंड कर लेंगे, वी हमारे पास गिवन है इसके ऊपर फिर डिवाइड कर लेंगे। इसके लिए जो फार्मूला यूज होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, इसके लिए हमारे पास एक्सेल को पहले फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास तकरीबन 10 ओम के बराबर होता है, और ये हमारे पास अब इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं तो जेड की वैल्यू 12.2 ओम आती है। अब इसकी वैल्यू जो है आपने करंट यानी 230 को जेड के ऊपर, वोल्टेज को जेड के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो पहले केस में हमारे पास जो करंट है 18.85 एम्पेयर बनती है। अब दूसरा फेज एंगल हमने मालूम करना है, तो फेज एंगल के लिए जो हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स 10 बाय 7
और ये हमारे पास 55 डिग्री आता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास पीछे जा रही है, लेगिंग बिहाइंड कर रही है। पावर फैक्टर जो है वो कास थीटा हम इसकी मालूम करते हैं, तो कास 50 जो है 55 अभी हमने मालूम कर ली है, तो 0.573 हमारे पास आती है। लास्ट में पावर कंज्यूम जो है वी आई कास थीटा के बराबर है, और वी हमारे पास 230 है, आई हमने मालूम कर ली करें 8.85, और ये हमारे पास जो एंगल बनती है वो 0.573 बनती है। तो पावर कंज्यूम्ड हमारे पास 2484.2 वाट बनती है। होप आप लोग को समझ आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वस्सलाम।